हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्यूरोपीडिया हिंदी पर। क्या आप जानते हैं भारत का एक ऐसा राज्य है जहां महिलाओं के बजाय पुरुष शादी के बाद अपना घर छोड़कर पत्नी के घर रहते हैं, और एक ऐसा राज्य जहां के कुछ शहरों में पूरे साल बारिश होती है, और इसी राज्य में सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गाँव मौजूद है। क्या आप अंदाजा लगा पाए हैं हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। एक ऐसा राज्य जहां मौजूद है कई पुरानी सभ्यताओं से जुड़ा गुफा। ये राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मनमोहक झरनों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर पूर्वांचल की सेवन सिस्टर्स में से एक खूबसूरत राज्य मेघालय की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं मेघालय के एक शानदार सफर पर। मेघालय दो शब्दों से मिलकर बना है, मेघ और आलय, यानी कि बादलों का घर। मेघालय में आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप बादलों के बीच में रह रहे हो। यहाँ के चेरापूंजी और मौसिन राम में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश होती है। आप चाहे साल के किसी भी समय चले जाएं, इन दोनों शहरों में आपको बारिश जरूर मिलेगी। यहाँ पर लोग घर से बाहर निकलने से पहले बारिश से बचने का पूरा इंतजाम करके ही निकलते हैं। मेघालय में कुल 11 जिले आते हैं, वही राज्य की जनसंख्या 37 लाख के आसपास है। मेघालय अपनी सीमा सिर्फ असम के साथ शेयर करता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेघालय बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर्स शेयर करता है। मेघालय की GDP की बात करें तो ये है लगभग $5 बिलियन की। ये कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 80% फीसदी आबादी कृषि पर भी निर्भर करती है। चावल और मक्का की पैदावार यहाँ प्रमुख तौर पर की जाती है, क्योंकि चावल की खेती के लिए बारिश बहुत जरूरी है और यहाँ पूरे साल ही बारिश होती रहती है। इसके अलावा अनानास, पपीता और केले जैसे फलों का उत्पादन भी होता है। सुपारी के उत्पादन के लिए भी मेघालय जाना जाता है। इन सब के अलावा पर्यटन इंडस्ट्री भी मेघालय की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, मेघालय की सुंदरता के कारण हर साल लाखों पर्यटक इस खूबसूरत राज्य में घूमने के लिए आते हैं। वैसे तो पूरे साल ही इस राज्य का मौसम काफी सुहाना होता है, लेकिन बारिश के दौरान ये राज्य जन्नत से कम नहीं लगता। यहाँ की संस्कृति, नृत्य, परंपरा, त्योहार, खान पान सब कुछ बेहद खास है। मेघालय में हर तरफ आपको खूबसूरत वादियाँ, हरे भरे जंगल और पेड़, ऊंचे ऊंचे झरने, नदियाँ और झील देखने को मिलेंगी। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो वाकई में प्रकृति की गोद में आए हो। यहाँ की शुद्ध हवा में आपको ताजगी का एक अलग ही एहसास होगा। अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। जिस जगह की कल्पना स्कॉटलैंड जैसे सुंदर राज्य से की जाए, वो वाकई में कितनी खूबसूरत होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। मेघालय के 70% हिस्से में सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ पर ज्यादातर लोग किसी न किसी आदिवासी और जनजातीय समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। मेघालय के सबसे प्रमुख ट्राइबल ग्रुप का नाम है खासी। ये राज्य गारो, खासी और जयंतिया, इन तीन प्रमुख समुदायों के घर है। उसके अलावा यहाँ हाजोंग, कोच, राभा, बोरो और मान शामिल है। मेघालय में सबसे ज्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ के लगभग 75% आबादी क्रिश्चियन है, वहीं 11% हिंदू और 4% मुसलमान भी मेघालय में है। भारत को हमेशा से ही एक पुरुष प्रधान देश कहा जाता रहा है, क्योंकि देश में लगभग सभी जगह पुरुष ही घरों की कमान संभालते हैं। लेकिन मेघालय की बात कुछ और है। यहाँ की खासी जनजाति में महिलाओं को घर की प्रधान मानी जाती है। घर में छोटे बड़े काम से लेकर बाजार जाना या दुकानों पर बैठने तक सारा काम औरतें ही करते हैं, और महिलाएं ही घर का हिसाब किताब भी देखती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जनजाति में शादी के बाद महिलाओं की नहीं बल्कि पुरुषों की विदाई होती है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने। यहाँ पुरुष शादी के बाद अपनी पत्नी के घर रहने के लिए जाते हैं और बच्चों को भी माँ का सरनेम दिया जाता है। खासी जनजाति के पुरुष पिछले काफी समय से महिलाओं और पुरुषों के समानाधिकार के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें महिलाओं से कोई दिक्कत नहीं है, वे सिर्फ अपना हक पाना चाहते हैं। वाकई में ये सब देखने के बाद यकीन हो जाता है कि भारत को क्यों विभिन्न संस्कृतियों वाला देश कहा जाता है। मेघालय के ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है, लेकिन यहाँ पर लोग गारो, खासी और नार या जयंतिया जैसी भाषाओं का इस्तेमाल आम बोलचाल के दौरान करते हैं। वहीं इस राज्य की लिटरेसी रेट 75% के आसपास है। वहीं यहाँ का एक गांव माउली नोंग की लिटरेसी रेट 100% है। इस गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने का खिताब भी प्राप्त है। दोस्तों, माउली नोंग में आकर आपको ऐसा लगेगा मानो आप भारत में ही नहीं है। यहाँ की सड़कों पर बिल्कुल भी कूड़ा कचरा आपको नजर नहीं आएगा, और अगर सड़क पर थोड़ा सा भी कूड़ा पड़ा हो तो वहाँ से गुजरने वाला हर इंसान पहले वो कूड़ा उठाकर डस्टबिन में डालेगा और उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। इस गांव की आबादी 1000 से भी कम है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हर साल बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। मेघालय के युवाओं के बीच फुटबॉल का अलग ही पागलपन देखने को मिलता है। फुटबॉल के अलावा यहाँ गोल्फ भी काफी लोकप्रिय है। मेघालय की राजधानी शहर शिलोंग में दो गोल्फ कोर्स हैं, जिन्हें भारत के बेस्ट गोल्फ कोर्स में शामिल किया जाता है। पहाड़ों के बीच बने ये गोल्फ कोर्स दिखने में काफी खूबसूरत नजर आते हैं। बादलों के बीच में रहकर ऐसे स्पोर्ट्स खेलने में कितना मजा आता होगा ना। जैसे भारत के हर राज्य की अपनी एक वेशभूषा होती है, ठीक उसी प्रकार मेघालय की भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा है। महिलाओं की पोशाक को यहाँ जॉन सेम कहा जाता है, जो एक रेशम से बना हुआ
हुआ कपड़ा होता है। इस कपड़े को महिलाएं अपने शरीर के चारों ओर लपेट लेती हैं। मेघालय के एक और वेशभूषा का नाम है डाक मंडा, जिसे ब्लाउज के साथ पहना जाता है। वहीं बात करें पुरुषों की तो वे ज्यादातर समय लंगोटी पहने ही नजर आते हैं। ये लोग अपनी छाती और पीठ को एक कपड़े से लपेट लेते हैं और सिर पर एक खास प्रकार की पगड़ी बांधे रखते हैं। ये पगड़ी मेघालय की शान मानी जाती है। मेघालय में बने घर बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन मेघालय में कई घर बांस से ही बने हुए होते हैं, जिसे नोकाचिक कहा जाता है। इन घरों का निर्माण स्थानीय रूप से उगाए गए बांस, बैंत और सूखे ताड़ के पत्तों और सूखे मौसम में रबड़ के पेड़ की लकड़ी से किया जाता है। ये घर दिखने में काफी आकर्षक नजर आते हैं। मेघालय राज्य अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी जाना जाता है। बाहर से आने वाले पर्यटकों की मेघालय में जमकर खातिरदारी की जाती है। यहाँ की मेहमान नवाजी देखकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। मेघालय में आप यहाँ के कई ट्रेडिशनल फूड का आनंद भी ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर तो आपकी चांदी ही चांदी है। जाडोह यहाँ का सबसे लोकप्रिय पकवान है, जिसे मांस और चावल से तैयार किया जाता है। इसके अलावा डोह खाली भी यहाँ के एक प्रसिद्ध डिश है, और इसमें भी मीट और कई प्रकार के मसाले से तैयार किया जाता है। मेघालय में सुअर और मुर्गे का मांस सबसे ज्यादा खाया जाता है, साथ ही मछली को भी यहाँ काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। दोस्तों, मेघालय राज्य अपने त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के ज्यादातर त्योहार फसलों से संबंध रखते हैं, और विभिन्न जनजातियों के लोग विभिन्न त्योहार मनाते हैं। पोमलंग नोंगकम खासी समुदाय के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। ये एक प्रकार का फसल उत्सव होता है। 3-4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मेघालय के लोग अपने इष्ट देवता को बकरों की बलि देते हैं। इसके अलावा वंगाला एक अन्य त्योहार है, जो गारो जनजाति के लोगों को द्वारा मनाया जाता है। वसंत ऋतु के दौरान पूरे राज्य में शाद सुख मायन सीम नाम का एक त्योहार मनाया जाता है, जिसमें लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर नाचते गाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। मेघालय में भारत का चौथा सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी आप देख सकते हैं। इस वाटरफॉल का नाम नोहकालीकाई जलप्रपात है, जो 340 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। इसके अलावा भी कई छोटे मोटे झरने आपको मेघालय के पहाड़ों से बहते दिख जाएंगे। वे साउथ डोंग फॉल मेघालय के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है, जहाँ पहुँचने के लिए हो सकता है आपको थोड़ी झंझट होगी, लेकिन ये आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट एक्सपीरियंसेस में से एक होगा। आज के दौर में नदियाँ बहुत प्रदूषित हो गई हैं, और लगभग सारी नदियों की सफाई को लेकर कई अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन मेघालय राज्य में एक ऐसी नदी है जिसे सबसे साफ नदी का टैग मिला हुआ है। इस नदी में नाव पर सवारी करने पर ऐसा लगता है मानो कांच पर नाव चल रही हो। इस नदी का नाम है उमन गोत, लेकिन ये डोकी के नाम से प्रसिद्ध है। मेघालय राज्य की एक बात जो इसे खास बनाती है वो है लिविंग रूट ब्रिज, यानी कि पेड़ से निकली जड़ों की मदद से बनाए गए पुल, जिनमें स्टील का प्रयोग जरा भी नहीं है। मेघालय के इन पुलों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। मेघालय के उमियम झील, जो शिलोंग से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक मानव निर्मित झील है, यहाँ पर आप बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। शिलोंग मेघालय की राजधानी होने यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। ये पूरा शहर घूमने लायक है। यहाँ के पहाड़ सुंदर वादियों की ओर आप बिना आकर्षित हुए नहीं रह पाएंगे। शिलोंग में डॉन बॉस्को म्यूजियम बना हुआ है, जो एक आदिवासी जनजीवन संग्रहालय है। यहाँ आपको मेघालय के ट्राइब्स और इतिहास के बारे में विस्तार से जानने को मिलेगा। मेघालय में आप हाइकिंग, ट्रैकिंग और फिशिंग जैसे कई एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद भी ले सकते हैं। कुछ जगहों पर पैराग्लाइडिंग भी कराई जाती है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच काफी प्रसिद्ध है। मेघालय के इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश शासनकाल से पहले ये एक स्वायत्त क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 1835 में अंग्रेजों ने इसे असम में शामिल कर दिया और लंबे समय तक ये असम का ही हिस्सा रहा। लेकिन भारत की आजादी के बाद यहाँ मौजूद गारो, खासी और जयंतिया के लोगों ने अपने लिए एक स्वतंत्र राज्य की मांग की, और 21 जनवरी 1972 को ये एक स्वतंत्र राज्य बना। आपको बता दें कि मेघालय की पहाड़ियों में 325 से भी ज्यादा ऑर्किड्स खिलते हैं। ये राज्य अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए भी जाना जाता है। नोकरेक नेशनल पार्क और बालपक्रम नेशनल पार्क मेघालय आने वाले पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। मेघालय राज्य कई प्राकृतिक संसाधनों से युक्त है। यहाँ पर सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कोयला, डोलोमाइट जैसे कई खनिज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मेघालय के जयंतिया हिल्स में एक गुफा है, जो अंदर से दो गुफाओं को जोड़ने का काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह गुफा अंदर से 22 किलोमीटर लंबी है। मेघालय घूमने के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से जून के बीच माना जाता है। हालांकि आप साल के किसी भी समय मेघालय घूमने आ सकते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ काफी ठंड होती है, तो वहीं जुलाई के बाद बहुत ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए मार्च से जून के बीच का मौसम एकदम सही होता है। इस समय भी आपको यहाँ ठीक ठाक बारिश देखने को मिल जाएगी। रिमझिम बारिश के बीच ये पूरा राज्य स्वर्ग से भी सुंदर दिखाई देता है। आपको बता दें कि मेघालय आने के लिए एयर रूट बेस्ट ऑप्शन है। राजधानी शिलोंग के पास एक हवाई अड्डा है, जिसके जरिए आप आसानी से मेघालय तक पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप रेलवे के जरिए ही मेघालय आना चाहते हैं, तो आपको असम के गुवाहाटी की टिकट करानी पड़ेगी, जहां से शिलोंग की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी से भी आप मेघालय तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर आपको घुमावदार पहाड़ियों के बीच गाड़ी चलाने की आदत नहीं है, तो यहां पर अपनी गाड़ी
पहाड़ी से आना अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मेघालय में घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप अकेले हैं तो आपको मेघालय घूमने के लिए 7 से 8 दिन में लगभग 25 से 30 हजार रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत राज्य मेघालय, कैसा लगा बताइए कमेंट्स में। आप में से अगर कोई है मेघालय से तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या कभी आपने विजिट की है इस राज्य की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। मुलाकात होगी फिर, धन्यवाद।